NPCI ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है। अब आप NPCI के पोर्टल पर जाकर अपना किसी भी बैंक का अकाउंट को DBT से लिंक कर सकते हैं। लेकिन जब हम NPCI के पोर्टल पर जा रहे हैं अपने बैंक अकाउंट को DBT से लिंक करने के लिए, तो हमको यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, यू मे स्टार्ट ए फ्रेश ट्रांजेक्शन अगेन। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यह प्रॉब्लम हमको क्यों देखने को मिल रहा है, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं NPCI, तो हम यहाँ पर अब NPCI के पोर्टल पर आ चुके हैं। NPCI के पोर्टल पर आने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कंज्यूमर के सामने जो प्लस वाला आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहीं पर हमको ऑप्शन मिलता है भारत आधार सीडिंग, तो अब हम इसी पर क्लिक करेंगे। अब बहुत से यूजर्स पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। यहाँ पर यह नया फीचर आया है, जब भी कोई नया फीचर आता है तो हमको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलता है। ओके, तो आप ट्राई करते रहे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस टाइम से पहले आपको यहाँ पर सभी डिटेल एंटर करना होगा और रिक्वेस्ट सेंड करना होगा अपने बैंक अकाउंट को DBT से लिंक करने के लिए। लेकिन अगर आप इस टाइम से पहले नहीं कर पाते तो आपका सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है। ओके, फिर आपको यहाँ पर यही वाला एरर देखने को मिलता है, योर सेशन एक्सपायर्ड। ओके, फिर आपको क्या करना होगा, अगर आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आपको यहाँ से बैक आना है, फिर से NPCI के पोर्टल पर आना है। तो आप फिर से इसी पेज पर आ जाओगे। ओके,